हेलो दोस्तों, आज मैं बोट के लूना कनेक्ट प्रो वॉच का रिव्यू करने वाला हूं। दोस्तों, ये बॉक्स जिस कलर कॉम्बिनेशन के साथ आता है, ये पर्सनली मुझे काफी तगड़ा लगता है और इसमें बाकी फीचर्स भी काफी बेहतर देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये जो स्मार्ट वॉच है आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ मिलने वाला है। साथ ही इसमें आपको काफी फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगा। तो इसे अब जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। इसका बॉक्स काफी यूनिक डिजाइन में आपको देखने को मिलेगा। इसे खोलने के लिए ऊपर साइड में खींच के निकालना पड़ता है। जब आप बॉक्स को खोलेंगे, अंदर की तरफ एक सेंस AI करके फीचर्स देखने को मिलेगा। ये फीचर अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें काफी काम आ सकता है। ये वॉच आपको ब्लैक राउंड डायल में देखने को मिलेगा। इसके नीचे साइड में एक बॉक्स देखने को मिलता है जिसमें बोट कंपनी की तरफ से काफी सारे स्टिकर्स दिए गए हैं। इसे आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल भी दिया गया है। साथ ही आपको 1 ईयर की वारंटी वाला कार्ड, एक यूजर मैनुअल और बोट के प्रोडक्ट का एक ब्रोशर भी मिलता है। वॉच में आपको फ्री स्टाइल सिलिकॉन का स्ट्रैप देखने को मिलेगा और आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। और इस वॉच का जो स्ट्रैप है काफी सॉफ्ट और पतला भी है। डायल का जो बैक साइड है, यहाँ पे आपको सेंसर देखने को मिलता है और इसके साइड में जो है प्लास्टिक की कवर देखने को मिलेगा। इसमें पूरी तरह से मेटल का यूज नहीं किया गया है, बस साइड का जो फ्रेम है इसमें मेटल लगाया गया है। इसके सेंसर के नीचे साइड में चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। इसके एक साइड में पुश बटन के बगल में एक माइक मिलता है और इसका जो स्पीकर ग्रिल है इसके दूसरे साइड देखने को मिलेगा। इसके डिस्प्ले की जो साइज है वो 1.3 इंच है, लेकिन इसके बावजूद जो डायल का साइज वो आपको बड़ा देखने को मिलता है। इसका कारण कि जो साइड में बेजल है वो काफी बड़ा है। इसे मैं अभी ऑन करूंगा तो साफ तौर पे इसके बेजल को आप देख सकते हैं। इसे ऑन करने के बाद यहाँ जो ब्लैक इंटरफेस देखने को मिल रहा है, इसमें शायद आपको बेजल पता नहीं चल पाए। यहाँ पे मैं ये जो वॉच फेस है इसे अभी चेंज करूंगा, तब जाके इसका जो बेजल क्लियरली आप देख सकते हैं। हालांकि साइड की ये जो बेजल है कुछ लोगों के लिए मायने नहीं रखती होंगी, लेकिन इससे काफी सारे लोगों का एक्सपीरियंस खराब होता है। इसके डिफॉल्ट में 6 तरह के वॉच फेस देखने को मिलेगा, आप इसे यूज कर सकते हैं। और ज्यादा वॉच फेस के लिए आपको इसके ऐप को डाउनलोड करना होगा। इसके वॉच फेस को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर में बैटरी परसेंटेज है, उसके बाद टाइम और डेट है, फिर नीचे में एक कॉन्टैक्ट ऐड करने का ऑप्शन आपको मिलता है। इसके लिए ऐप में जाके इसे सिंक करना होगा। इसके बाद आपको एक डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन मिलेगा, इसे ऑन करेंगे तो सारे रिमाइंडर और नोटिफिकेशन है ऑफ हो जाएंगे। इसके बाद एक ऑप्शन मिलता है ब्राइटनेस को पूरी तरह से कम करने के लिए। ये ऑप्शन जब तक ऑन रहेगा आप तब तक ब्राइटनेस को बढ़ा नहीं सकते हैं। इसके बाद आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा, आप डायरेक्ट यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं और ये बैटरी ज्यादा कंज्यूम भी करता है। इसके अलावा आपको बैटरी सेविंग मोड भी मिल जाएगा। बैटरी सेविंग मोड में जो दूसरे फंक्शन है जो ज्यादा बैटरी कंज्यूम करते हैं आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे। अब इसके सेटिंग ऑप्शन में आएंगे तो सबसे पहले आपको वॉच फेस चेंज करने को मिलेगा। इसके नीचे में स्क्रीन स्लिप मिलता है जिसमें आप जो ड्यूरेशन है, टाइमिंग है, डिस्प्ले की जो लाइट की टाइमिंग है उसे आप बढ़ा या घटा सकते हैं। इसमें मैक्सिमम 20 सेकंड तक डिस्प्ले की लाइट आप रख सकते हैं। इसके बाद आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा, इसे यूज करने के पहले इस फीचर को ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन में 3 तरह के ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहला है एनालॉग है, इसके बाद डिजिटल है और लास्ट में आप जो वॉच फेस है आप उसे भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में रख सकते हैं। इसके बाद आपको रिंगटोन मिलेगा, इसमें आप चाहे तो साइलेंट रख सकते हैं या फिर यहाँ पे रिंगटोन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 तरह का ऑप्शन आपको दिया गया है रिंगटोन के लिए। दोस्तों, मैं अब जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में किस तरह का वॉच फेस रहेगा वो दिखा देता हूँ। तो इसके लिए पहले हम लोग इसके लिए एनालॉग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो एनालॉग सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह का वॉच फेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे काफी ब्राइट आपको डिस्प्ले भी देखने को मिलता है। सर, होता यह है कि जब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में इस तरह का वॉच फेस रहता है तो ये उतना ब्राइट नहीं रहता। आप बाहर अगर धूप में यूज करते हैं या देखते हैं तो आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आप बहुत बढ़िया तरह से क्लियरली इसको आप देख सकते हैं। और आप डिजिटल सेलेक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा वॉच फेस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आप वॉच फेस भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक वेक गेस्चर का ऑप्शन मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आप जब वॉच पहने हुए हैं और हल्की सी कलाई घुमाएं तो इसकी लाइट जल जाए तो ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आप इस गेस्चर को कस्टमाइज कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे ऑल डे इसी तरह रख सकते हैं या फिर इसमें शेड्यूल भी कर सकते हैं। इसके गेस्चर का जो रिस्पॉन्स है वो मुझे सही लगा। कभी कभी ऐसा लगा कि जो थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है, लेकिन ये हमेशा नहीं है। इसके बाद आपको वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसे आप सॉफ्ट, स्ट्रांग या फिर इसे वाइब्रेशन को हटा भी सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ और ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें आपको डू नॉट डिस्टर्ब, बैटरी सेविंग मोड, फिर नीचे में आएंगे तो सिस्टम है, सिस्टम में आपको पावर ऑफ कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट है या फिर रीस्टार्ट करने का ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो इसके ऐप को डाउनलोड करने का क्यूआर स्कैन कोड मिलता है। इसके बाद अबाउट, रेगुलेटरी, ये सब देखने को मिलता है। अब हम लोग इसके मेनू में आएंगे तो मेनू में सबसे पहले हमें कॉलिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसे लेकिन यूज करने के लिए पहले इस वॉच को आपके मोबाइल से कनेक्ट करना होगा। तो इसे मैंने पहले ही अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया है। दोस्तों, इसका जो डायल पैड है ये मुझे उतना रिस्पॉन्सिव नहीं लगा। कई बार ये जो है टैप करने पर काफी स्लो वर्क कर रहा था। एक दिक्कत और इसमें ये लगा कि ये ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। इसके स्पीकर को टेस्ट करने के लिए हम लोग 198 पे कॉल लगाएंगे। अभी आप इसके स्पीकर की आवाज सुन सकते हैं। नमस्कार, आपके लिए एक महत्वपूर्ण
देखते हुए एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए रही है। यह एक अस्थायी समस्या है और अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी। हम इसे जल्द से जल्द ठीक करने के लिए काम कर रही है। यहाँ पर आप कॉल को मोबाइल पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। एक ऑप्शन आपको वॉल्यूम अप डाउन करने का मिलता है। दोस्तों इसके स्पीकर की जो आवाज़ है वो ठीक ठाक है। इसके फोन बुक में नंबर ऐड करने को मिलता है, लेकिन इसके लिए आपको इसके ऐप का यूज करना होगा। नीचे में आप कॉल हिस्ट्री देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपने कॉल हिस्ट्री डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ आपको डिलीट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों अगर आप इसके नोटिफिकेशन या मैसेज ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको इंग्लिश के मैसेज ही देखने को मिलेगा। अगर आपको हिंदी का मैसेज आता है तो वो यहाँ पर सिर्फ ब्लैंक देखने को मिलता है, यानी आप इसमें हिंदी का मैसेज नहीं देख पाएंगे। आपको इन मैसेज को डिलीट करने का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ क्विक रिप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब मेनू में कॉल के नीचे में आपको एक्टिविटीज के ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें आपको सारे तरह के स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएगा जो आप अपने एक्टिविटीज के अनुसार यूज कर सकते हैं। आप अपने किए हुए एक्टिविटी डिटेल्स को एक्टिविटी रिकॉर्ड में जाके देख सकते हैं। एक्टिविटी रिकॉर्ड के बाद आपको एक सेंस AI करके ऑप्शन मिलता है। ये फीचर उन लोग के लिए काफी बेहतर हो सकता है जो क्रिकेट खेलते हैं। आप इसमें बैटिंग और बॉलिंग के हिसाब से ऑप्शन चुन सकते हैं। इसके बाद लेफ्ट या राइट हैंड सेलेक्ट करके गोल सेट करते हैं और इसके बाद स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ पे अपना पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। मैंने इसे प्रैक्टिकली चेक नहीं किया है, अगर ये सही से काम करता है तो काफी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा आप इस सेंस AI के डिटेल्स को भी रिकॉर्ड में जाकर देख सकते हैं। अब हम लोग इसके सेंसर से हार्ट रेट चेक करेंगे। सेंसर को हार्ट रेट मेजरमेंट करने में कुछ सेकंड का टाइम लगेगा। मैंने एक ऑक्सीमीटर भी लगाया हुआ है ताकि दोनों का जो हार्ट रेट है वो रीडिंग में देख सकूं। वॉच में जो रीडिंग देखने को मिला है वो 70 से शुरू है और ये कम होते जा रहा है। आप दोनों में लगभग सेम रीडिंग देख सकते हैं। इसके पूरे डिटेल्स को आप इसके नीचे साइड में देख सकते हैं। अब इसे SpO2 भी चेक कर लेते हैं। ऑक्सीमीटर में जो ऑक्सीजन का लेवल परसेंटेज हमें दिख रहा है वो 98% है और वॉच में हमें क्या मिलता है ये देख लेते हैं। अब हमें वॉच में भी जो ऑक्सीजन का लेवल मिला है वो 98% है। इसमें भी आप नीचे साइड में इसके डिटेल्स देख सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें स्ट्रेस लेवल भी चेक करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन मैं इस पर ज्यादा रिलाई नहीं करता हूँ। इसके बाद आपको इसमें स्लीप मॉनिटर करने का ऑप्शन मिलता है। ये आप सही से आप यूज कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं मैंने 5 घंटा 25 मिनट का जो है स्लीप पावर लिया है। इसमें आप डीप स्लीप कितना है, लाइट स्लीप कितना है, रेस्ट कितना है, ये सब आप पूरे डिटेल से देख सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें ब्रेथ एक्सरसाइज का ऑप्शन मिलता है, आप इसे योगा के दौरान यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको कैमरा कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता है, म्यूजिक कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता है। फिर नीचे में आएंगे तो वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट मिल जाएगा। इसके नीचे में कुछ और ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें वेदर, अलार्म, नोटिफिकेशन, स्टॉप वॉच, टाइमर, फ्लैश लाइट, फाइंड माई फोन, सेटिंग, ये सब लास्ट में आपको दिखने को मिलता है। अब इसके स्टेप्स काउंट की बात करें तो इसकी एक्यूरेसी मुझे सही लगी। थोड़े बहुत ऊपर नीचे रहते हैं लेकिन फिर भी ये सही है। इसके भी नीचे साइड में इसके सारे डिटेल देखने को मिल जाएगा। अब इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, आधे घंटे में आप इसे फुल चार्ज कर सकते हैं। और इसकी जो बैटरी है ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ 2 दिन यूज कर सकते हैं और नॉर्मल यूज में आप इसे 4 से 5 दिन आराम से इसे यूज कर सकते हैं। एक बात और बता दूं कि इसमें आपको गेम और कैलकुलेटर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। वैसे इसमें काफी अच्छे फीचर देखने को मिलते हैं और इसका जो यूजर इंटरफेस है वो भी काफी एक अलग एक्सपीरियंस देने वाला है। वैसे आपको इसमें कौन सा फीचर सही लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।